नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूँ प्रशांत, और आज की इस वीडियो में जो है बिहार बोर्ड के जितने भी कंपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट हैं, जिनको भी कंपार्ट लग गया था, उनके लिए जो है कुछ खबर हम लेकर के आए हैं। तो ये है आपको जो है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग अगर चाहे तो एक ट्विटर पर ट्रेंड चला सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ट्विटर पर आप ट्वीट कर सकते हैं, बिहार बोर्ड से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपकी जो कंपार्टमेंटल के एग्जामिनेशन के ऊपर क्या जो है नतीजा रहेगा, क्या वो पास कर देंगे ग्रेस मार्क्स दे करके, या जो है उनकी परीक्षाएँ जो है नहीं ली जाएंगी, या अगर ली जाएंगी तो कब तक के ली जाएंगी। तो ऐसे सवाल आप पूछ सकते हैं। लेकिन अभी बिहार बोर्ड के ऑफिस में जो है अभी मंथन चल रहा है। मंथन किस बात पे चल रहा है कि इनकी जो है परीक्षाएं कब ली जाए, मतलब कंपार्टमेंटल वाले स्टूडेंट्स की परीक्षा कब ली जाए, या इन्हें जो है ग्रेस मार्क्स देकर के पास किया जाए। तो कुछ जो है मैं आप सभी को अपडेट दे देता हूँ। जो भी ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो दो सब्जेक्ट में फेल होंगे, यानी उनको नंबर कम आए होंगे, तो उनको जो है कंपार्ट लगा होगा, तो उनको जो है कंपार्टमेंटल का पेपर देना पड़ता है। अब यहीं पे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा एक्स्ट्रा में कंपार्ट लगा है, मतलब कि हमारा एक और एक्स्ट्रा पेपर था तो उसमें हम फेल हो गए थे, तो क्या हमें कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। आप दे सकते हो। वैसे एक्स्ट्रा में फेल को फेल नहीं माना जाता है। अगर आपको दो मेन सब्जेक्ट में कंपार्ट लगा है और एक जो एक्स्ट्रा में लगा है, फिर भी जो है आप कंपार्टमेंटल के लिए एलिजिबल हो। और जिन्होंने भी जो है अपना फॉर्म नहीं भरा है, मतलब कंपार्टमेंटल का फॉर्म नहीं भरा था, तो उनकी एग्जामिनेशन के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगर ग्रेस मार्क्स दिया जाता है तो ग्रेस मार्क्स तो हालांकि सभी को दे दिया जाता है, अगर आपने फॉर्म भरा हो या नहीं भरा हो। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका भी रिजल्ट कहीं आ जाए इसी दौर में, तो नहीं, आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। जो भी ऐसे स्टूडेंट सोच रहे हैं, बिहार बोर्ड जो है कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के ऊपर मंथन कर रहा है। तो इसके लिए जो है आपको रिपोर्ट जो है आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है, या इस हफ्ते के आखिर तक जो है आपको कंपार्टमेंटल के ऊपर कोई ना कोई रिपोर्ट मिलेगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी बेल आइकन को ऑन कर ले, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के ऊपर कोई ना कोई रिपोर्ट जो है जल्दी निकल करके सामने आ सकती है, क्या उनको पास किया जाएगा या उनका जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा। क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चों को पास भी कर दिया गया था और कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन नहीं लिया गया था। तो अगर इसी तरीके से इस साल भी होता है तो कैसे बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिलेगा, वैसे ही बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। जो भी बच्चों का जो है नियर बाय जो है कम नंबर रह जा रहा है, 5-6 नंबर से छूट जा रहा है, उन्हीं को ग्रेस मार्क्स देकर के पास किया जाएगा। तो पिछले साल भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था कि जो भी नियर बाय स्टूडेंट से, मतलब अगर उनका नंबर 1-2 नंबर या 5-6 नंबर से कम रहा है, तो उनको ग्रेस मार्क्स देकर के पास करा दिया गया था। जो बच गए थे शेष, उनको जो है अगले साल एग्जामिनेशन देने के लिए फिर से कंपार्टमेंटल का कहा था, लेकिन कंपार्टमेंटल का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया गया था। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट में जल्दी।